अन्न ब्रह्म विदा फलम उच्चत है, अन्न ब्रह्म है ऐसे जानने वाला, चिंतन करने वाला, और ऐसे एक तरह से उपासना है। दिव्य उपासना विधि नहीं बोल चुके, ये तो केवल ब्रह्म विद्या का अंग रूपा है। तो इस उपासना का फल क्या है? तो कहते हैं सर्वम वैते समस्तम अन्न जातम आपनवंती, ते वे लोग निश्चित रूपेण समस्तम अन्न जातम संपूर्ण सर्वम कर समस्तम सब प्रकार का अन्न को वे प्राप्त करेंगे। के कौन लोग? ये अन्नम ब्रह्म उपासत है, ये जो लोग अन्न ही ब्रह्म है ऐसा पूर्वोक्त प्रकारेण चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं। तो कैसा चिंतन करते? चिंतन की प्रक्रिया भी थोड़ा सिखा दो। खत्म किस प्रकार करते हैं वे लोग? अन्न जो अन्नात्मा अन्न प्रलयो हम तस्माद अन्नम ब्रह्म इति अंग्रोपासना, अन्न से मैं पैदा हुआ हूं, अन्न से ही मेरा यह शरीर जीवित है और अन्न में ही अंत में लय होने वाला है, ऐसा जो मैं हूं। अन्न जो अहम अन्नात्मा अहम अन्न प्रलयो अहम तस्माद अन्नम ब्रह्मो अहम, ऐसा उपासना करें। कुत पुनः? किस प्रकार से होगा? कैसे? मैंने किस प्रकार बता दिया, आप कैसे हो? तो कहते हैं सर्वान्न प्राप्ति फलम अन्नात्मोपासनम इत्युच्यते। अन्न अन्न सर्वान्न प्राप्ति फल वाला अन्न ही आत्मा है, ऐसा उपासना करने से ये होता है। कुतः? पंचमी ना, इसलिए। कथम? कौन करते हैं? कथम किस प्रकार करते हैं और कैसे उनको फल मिल जाता है? ये तीनों प्रश्न का जवाब हो गया। अन्न ब्रह्म है, यह तो प्रकार उपासना करता है, और किस प्रकार करता है? मैं अन्न जो अन्न झूं मैं, अन्न आत्मा हूं मैं, अन्न प्रलय हूं मैं, इसलिए अन्न ब्रह्म हूं मैं, ऐसा स्थूल शरीर के साथ ही ब्रह्म बुद्धि से उपासना करेगा। अर्थात बाह्य जगत से विमुख हो गया। अब तक बाह्य जगत का पुत्र पत्नी आदि उनको आत्मा मानता था, उन्हीं में आत्मबुद्धि थी, धन दौलत संपत्ति आदि में आत्मबुद्धि थी, वहां से हटा करके शरीर में आत्मबुद्धि कर लिया, स्थूल शरीर में। इस उपासना का फल यह है, उसको सर्वान्न प्राप्ति फलम अन्नात्मोपासना, इसी को ही सर्वान्न प्राप्ति फल को अन्नात्मोपासना कहा जाता है। अन्नम भूतानां ज्येष्ठां, क्योंकि अन्न ही इन सकल भूतों का कारण है, ज्येष्ठम ने कारण। कैसे? भूतेभ्य पूर्व निष्पन्नत्वात् ज्येष्ठम ही अस्मात् तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते। तो भूतों की अपेक्षा से पहले यह निष्पन्न है, इसलिए ज्येष्ठ। कि मन अस्मात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् इसलिए सर्वौषधम् उच्यते, इसको सर्वौषध कहते हैं। तस्माद् उपपन्न सर्वान्नात्मोपासकस्य सर्वान्न प्राप्ति, इसलिए यह युक्तियुक्त हो गया कि सर्वान्न के को आत्मरूपेण उपासना करने वाला पुरुष के लिए सर्वान्न फल रूपी प्राप्ति करना उचित ही है। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्येन वर्धन्ते इति संहारार्थं पुनर्वचनम्। ये दोबारा कहने की क्या जरूरत है? उपसंहार करने की, अन्न ब्रह्म प्रकरण का उपसंहार, उसके लिए दोबारा कह रही है मंत्र। अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं, अजातानी उत्पत्ति के पश्चात अन्नेन वर्धन्ते, अन्न के द्वारा वृद्धि आदि को प्राप्त होते हैं, इत्यादि उपसंहार करने के लिए दोबारा कर दिया। इदानीम अन्न निर्वचन उच्यते, और अब अन्न शब्द का व्युत्पत्ति निर्वचन वो भी पता है। इसका नाम अन्न क्यों पड़ा? चावल दाल सब्जी रोटी वगैरह को क्यों अन्न कहते? इसको कहते अद्यते भुज्यते चैव यद् भूतैर अन्न मत्ति च भूतानि स्वयं तस्मात् भूतेर भुज्यमानत्वात् भूत भोक्तृत्वात् च अन्नं तदुच्यते। दो कारण है, एक अद्यते भुज्यते चैव यद् भूतैः, क्योंकि ये जो है अन्न क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि भूतों के द्वारा इसको खाया जाता है। हम सब लोग भूत है, भूत माने आदमी जन औरत पशु वगैरह सारा, इनको भूत शब्द से कहा जा रहा है बार बार। ये जो भूत क्या है? अन्न को खाते हैं, जिसको खाते हैं हम उसको अन्न खा जाता है। अद्यते इति अन्नम,
कहीं रद्यते भूते ही रद्यते, अद्यते न पुच्यते खाते। इतना ही नहीं अतिच भूतानि सब स्वयं, और अन्न इसलिए भी है एक खाता है हम सबको, भूतों को ये अन्न खा जाता है, क्योंकि अन्न खाते खाते शरीर तो पहले बड़ा, बाद में यही अन्न इसको जीर्ण शीर्ण कर खत्म भी कर देता है। इसे पहले ये कह दिया हम भूत लोग अन्न को खाते हैं, जिसको हम खा रहे हैं उसको अन्न कहा गया, और इसलिए भी उसको अन्न कहा रहे क्योंकि वह अंत में भूतों को खा जाता है, अंत में वह अन्नहीन भूतों को वास्तव में खाता है। स्वयं कद नहीं रहे, स्वयं अतिच भूतानि, स्वयं इन भूतों को खाता है। तस्माद् भूतेर, इसलिए दो हेतु बना, भूतेर भुज्यमानत्वात् एक हेतु, एक हेतु दूसरा भूत भोक्तृत्वात्, ये तो भूतों के द्वारा खाया जाता है और भूतों को वो खाने वाला है, इसीलिए अन्नम तदुच्यते अन्न शब्द से उसको कहा गया। आद भक्षण धातु से बना अन्नम, अन्नम आद भक्षण धातु से वर्तमान काल अर्थव्यता प्रत्यय हुआ तो को न हो गया, उसको न हो गया दोनों को ही हृदो अर्धाभ्याम है ना, डकार बनकार कर देता है। इति शब्द प्रथम कोश परिसमाप्ति अर्थ, ये जो इति शब्द यहाँ पर आया प्रथम जो कोश है उसकी समाप्ति के लिए है, मंत्र का भी समाप्ति का द्योतक है, मंत्र समाप्ति अर्थश्च इत्यपि द्रष्टव्यम एवं उत्तरत्रापि, इसी प्रकार से आगे भी सब्जी का समझना चाहिए, ऐसा टिप्पणकार स्पष्ट कर देते हैं। अन्नमयादिभ्य आनंदमयांतेभ्य, थोड़ा सार बता दे रहे भाष्यकार बीच में, अगला ब्राह्मण में जाने से पहले बीच सार बता रहे हैं, ये अन्नमय से लेकर के आनंदमय पर्यंतेभ्य आत्मभ्य, प्रत्येक आत्म कहेंगे आप, अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, पुच्छ ब्रह्म है, कद्यांत में ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। तो आनंदमय से लेकर अन्नमय से लेकर के आनंदमय पर्यंत आपने अनेक प्रकार या पांच आत्मा अलग अलग बताएंगे आत्मभ्य अभ्यंतरतम, उन सभी का अभ्यंतरतम अन्यो अंतरतम, अन्यो अन्य अंतरकार है बार 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 बार, अंतरतम कौन है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा वो ब्रह्म है, अंतरतम ब्रह्म विद्या प्रत्यगात्मत्वेन दर्शेषु शास्त्र, विद्या के माध्यम से मैंने ब्रह्म विद्या के माध्यम से ये ब्रह्म प्रत्येगात्मा ही ब्रह्म है ये दिखाने की इच्छा से शास्त्र आरंभ हुआ है। ये जो प्रत्येगात्मा है जिसको जीवात्मा बोल रहे हो यही वास्तविक ब्रह्म है, यह ब्रह्म से कोई अलग चीज नहीं है, इसको दिखाने की इच्छा से तिदर्शेषु शास्त्र क्या कर रहा है, यह विद्या को कथन किया है। लेकिन ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि अविद्याकृत पंचकोशापनेन अनेक तुष कोद्रव इति कोद्रव वितुषीकरणेन इव तदंतर्गत तंडुलान प्रस्तौति तस्माद् एतस्माद् अन्नरसमयाद् इत्यादि। क्योंकि शास्त्र करना क्या चाहता है, क्योंकि आप अविद्याकृत पंचकोशों के द्वारा ढके हुए हैं, एक एक कोश को निकाला जाएगा, हटाया जाना है, एक एक कोश हटाओ, जैसे कोदो एक चावल है जंगल में ऐसे हो जाता है बिना पानी का, हल्का पानी पड़ जाए साल में एक दो बार भी काम होता है, ऐसी चीजों में तो फलार में लेने का और मानव प्रस्तियों के लिए ही भोजन बताया, जिसको खेती नहीं करना है कुछ नहीं करना है अपने आप हो जाते हैं, कोदो चावल है आपका, जितने मंडवा है आजकल तो बोने लग गए, लेकिन बोने भी बिना ही हो जाता है सब चीजें, इसको पानी वाली ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से आजकल साबुदाना बनाने लग गए, पहले साबुदाना के पेड़ फल में दाना दाना होता, फल होता था उसके अंदर छोटे छोटे दाना होते थे, वो साबुदाना असली है, उसको अंग्रेजी में सैगो ट्री बोलते हैं। आजकल वो पेड़ कहाँ दिखते हैं, मैंने जब डुप्लीकेट बनाने लग गए तो भगवान ने कहा छोड़ो इसको, फिर पेड़ उगते ही नहीं इसलिए संसार में। तो तस्मा इसलिए कहते जिस प्रकार से कोदो में क्या है उसे परत होता है, नहीं एक परत होता है, जैसे धान होता है ना चावल है, चावल के ऊपर क्या है एक परत है छिलका, उसमें कई परत होते हैं, इसलिए उसका दृष्टांत उठा रहे हैं भाष्कर जान के, जैसे आपके इस आत्मा के पांच कोश है उसी पर इस कोदो चावल पर पांच परत होते हैं, जैसे उसका वितुषीकरण है ना, उसका छिलका उतारते उतारते मेहनत करोगे जब
एक 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 परत निकालते जाओ तो अंदर में कोदो चावल जैसे निकलता है, वैसे पांच कोशों को हटाते जाओ अविद्यागृत पंच कोशों को विद्या के द्वारा, तब अंदर में ब्रह्म अनुभूति होगा। पंच अविद्यागृत पंच कोष अपनयन हटा करके जिस प्रकार दृष्टांत क्या है, अनेक तुष कोद्रव्य वितुषीकरण अनेक तुषा से ढका हुआ कोदो चावल को वितुषीकरण करने के समान, हाँ करने से क्या होता है वहां तद अंतर्गत तंडुलान, जिस प्रकार से अंदर में छिपा हुआ उस तंडुल को आप प्रकाशित कर देते हैं, सामने लाते हैं, उसी प्रकार से यह शास्त्र क्या करना चाह रहा है, अविद्या पंच कोशों को हटा करके विद्या के द्वारा यह प्रत्येगात्र को ही ब्रह्म रूपेण अनुभव कराना चाहता है, दिखाना चाहता है। इसके लिए अगला कोश के लिए संबंध जोड़ते हुए कह रहा है श्रुति, तस्माद् वै तस्माद् अन्नर समय आज अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, ये ब्राह्मण भाग शुरू हो गया। तस्माद् ये तस्माद् मैंने थोक्ता अन्नर समय, अब आगे मंत्र वापस, तस्माद् ये तस्माद् वह यह जो कौन सा यथोक्त जो कहा हुआ, मेरा कौन सा कहा था आप शुरू में गज अन्न रसमय से, जो अन्न रसमय अभी पूर्व में कहा हुआ है उससे, उस पिंड से, कहने का मतलब स्थूल शरीर से, अन्यो अन्यो मने व्यतिरिक्त इससे भिन्न है, और अंतर मने अभ्यंतर और इसके भीतर भी, इसे बाहर ढूंढना नहीं और भीतर भीतर जाना है, बाहर से भीतर लाने के लिए आप जिस शरीर का मोह कर रहे हो इस शरीर को ही पहले ब्रह्म कह दिया गया, ताकि बाह्य वस्तुओं का मोह को मिटा करके अपना शरीर में मोह को दृढ़ कर लो, फिर इस शरीर के भीतर एक दूसरी शरीर है, और शरीर क्या है प्राणमय शरीर है, उसमें अपना मोह करो मेरा प्राण बचे, भले शरीर मर जाए कोई बात नहीं प्राण टिका रहे, ऐसी भावना, तो प्राणमय कोष पर आप मोह करिए, फिर उससे भी पीछे मनोमय कोष मोह करना है, ऐसे करते अभिमान करते जाओ अंदर 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 अंदर, इस अभ्यंतर आत्मा पिंडव देव मिथ्या परिकल्पित, जैसा शरीर भी पांच भौतिक परिकल्पित है उसी प्रकार से वह प्राणमय जो आत्मा है कोश है वह भी मिथ्या परिकल्पित ही है, क्या विद्या निर्मित है, इसलिए पिंडव देव मिथ्या परिकल्पित हो आत्मत्वेन प्राणमय, उसको आत्मत्वेन आप कल्पना करेंगे इसका नाम क्या है प्राणमय, प्राण वायु तन्मय मय तत्प्राय, पहले के समय नहीं लेना, पहले अन्नमय में क्या कहे थे अन्न विकार मैठ विकार अर्थ में था, स्पष्ट दिख रहा है दाल सब्जी रोटी खा रहे हैं अब वो खून मांस हड्डी फट्टी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, विकार हो रहा है वहां से स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए वहां मैट को विकार अर्थ में लिया, और यहां वायु का विकार होता होने नहीं ना प्राण अपान समाज सब करा, बल्कि तरसंग क्या कहा सच एकोपि उपाधि भेदात प्राण अपान संज्ञा लबदे, वायु एक है केवल उपाधि भेद से कई स्थान रूपी उपाधि अथवा क्रिया रूपी उपाधि, ये तो लिया ना हृदय आदि स्थानों को ले लिया, अथवा क्रिया आना जाना नीचे वायु निकास करना ऊपर ले जाना वायु को उल्टी आदि के कारण वो दवदान है इत्यादि करके क्रिया को लेकर के, दो प्रकार की उपाधि स्थान अथवा क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के वह एक वायु पंच संज्ञाओं को प्राप्त कर रहा है, इसलिए वायु का विकार तो है नहीं, एक ही औपाधिक पांच संज्ञा पड़ गया, इसलिए भाष्यकार ध्यान में सब बातों को रखते हुए लिख दिया यहां विकार तो नहीं लेना भाई, तत्प्राय वायु प्राय मैंने वायु प्रधान है, पंच प्रकार का वायु प्रधान है जिसमें ऐसा एक शरीर कल्पना कर लिया प्राणमय शरीर, तेन प्राणमयेन अन्न रसमय आत्मा एष पूर्ण वायुना इव धृति, तेन प्राणमयेन तेनेश पूर्ण है ना उसकी व्याख्या करते हैं ना, मैंने प्राणमय के द्वारा ये जो स्थूल शरीर है अन्न रसमय ये कैसा है अन्न रसमय आत्मा एष पूर्णो पूर्ण भरा हुआ व्याप्त, इसलिए क्या होता है यहीं से कहीं से भी प्राण निकल जाए तो वह शरीर सूख जाएगा उतना हिस्सा सूख जाएगा, प्राण पूरे के पूरे नाखून के कोने तक व्याप्त है, आनखाग्र वर्यंद हर बाल में भी प्राण व्याप्त, और जिस बाल में से प्राण घट गया और प्राण धीरे धीरे सफेद होने लगे बुढ़ा गया बोलेंगे
आप कहेंगे बाल बूढ़े हो गए, अंगं गलितम पलितम मुंडम, प्राण की महिमा है। इसलिए कहते हैं प्राण से पूर्ण ये स्थूल शरीर, उसी प्रकार वायु ना इव धृति ही। जैसे आप लोगों के साइकिल का टायर, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार का है, सबके टायर होते हैं, और टायर के अंदर क्या है, ट्यूब होता है, उसको धृति बोलते हैं, उसके अंदर जैसे हवा भर दिया गया, उस प्रकार उसी प्रकार ये थैली है चमड़े की, इसके अंदर प्राण भरा पड़ा है, हवा भरा पड़ा है। धृति का मतलब ही होता है चर्म पुटे मत्स्य ना इति मेदिनी, मेदिनी का अस्थि नंबर टिप्पणी, इसलिए धृति का मतलब होता है चर्म पुटे। पहले होता था चमड़े के झोले होते थे, है ना, बीच भयंकर विरोध हुआ सनातनी हिंदू लोगों ने, कहा हम चमड़ा पहनेंगे नहीं, चमड़े को छुएंगे नहीं, ये साहब जो है गाय के चमड़े वगैरह से बैग बनाने लग गए मुसलमान लोग, है तो इसलिए तब से अब कम हो गया। बाकी देहात वगैरह में बहुत कम, सब रबड़ के बनते हैं, देहात में तो रबड़ के बनते, टायर के टुकड़े की चप्पल बना के बेचते लोग। जहाँ हिंदू लोग थोड़ा कट्टर है, थोड़े इन चीज़ों में जागरूक है, वो लोग अभी भी नहीं मानते इस चीज़ों को, पहनते नहीं। वायु नहीं वह धृति चर्ममयी, जो झोले में या किसी भी चीज में वायु भर दिया जाता है, उसी प्रकार से समझो यहाँ पर भी है। सवायश प्राणमय आत्मा पुरुष विदेव पुरुषाकार एव, वह यह जो प्राणमय आत्मा है वो कैसा है, कहते पुरुष के आकार, विधमय तात्पर्य विधि वगैरह अर्थ में नहीं, विधम प्रकार, पुरुष आकार जैसे आकार वाला, मैंने पहले विचार हो चुका है जिस प्रकार का आपका शरीर है उसी प्रकार का वह प्राणमय कोश भी होगा, उसी के आकार वाला मनोमय, उसी आकार वाला ये जैसा स्थूल शरीर है जैसे आकार वाला है उसी आकार वाला अंदर के जितने भी है सब कोशों को समझना। शिरा पक्षादि भी, मैंने यहां भी उपासना के लिए पांच भाग कल्पना करना, सिर, दाहिना हाथ, बायां हाथ, धड़ और पूछ, पक्षी के समान पक्षी की कल्पना। किम स्वतः वह भी क्या स्वतः ही माना जाए, कहते नहीं 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 ऐसे कैसे होगा। प्रचलन तावत अन्न रसमय से आत्मन पुरुष विदित्वा, क्योंकि अन्न रसमय शरीर का जो स्थूल शरीर है इससे पुरुषाकार था प्रसिद्ध, तस्मात तस्य अन्न रसमय से पुरुषविदाम पुरुषाकार दाम अनु अयम प्राणमय पुरुष विदो मूषा निषिक्त प्रतिमावत न स्वतएव, क्योंकि यह कहाँ है प्राण में, अन्नमय के भीतर है ना, जैसे मूषा जो सांचे के भीतर में जो पिघला हुआ अपने लाइट लोहा पर डाला है वो कहाँ है, वो सांचे के अंदर से सजा हुआ है, जैसा आकार है सांचे का वैसे आकार वाला मूर्ति वर बन जाए, उसी प्रकार जैसे आकार वाले स्थूल शरीर है उसके अनुरूप आकार वाला इसे पापर का तस्य अनु अयम, तस्य मने अन्न रसमयस्य, वह है जो अन्न रसमय शरीर है जिस प्रकार के आकार वाला है, या प्रकरण पुरुष का है, पहले विचार हो चुका है पुरुष क्यों लिया नाम, हमेशा पुरुष पुरुष शब्द ले रहे हैं क्यों, कर्म और ज्ञान का अधिकार को लेकर के, नहीं तो पशु में सब में यही है वास्तव में, वो भी पंचकोश वाले हैं, लेकिन वे पंचकोश का विवेक कर कर्मादि के अंतर्गण शुद्धि करके पंचकोश विवेक करता हुआ स्वस्वरूप जीवात्म स्वरूप को ब्रह्म रूपेण अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए श्रुति या प्राणी आदि सामान्य शब्द प्रयोग न करता हुआ बारंबार विशेष जो हो पुरुष शब्द को ही प्रयोग कर रहा है, यह पहले कह चुके हैं, इसे कहते हैं तस्य अन्न रसमयस्य पुरुष पुरुषाकार था अनु, या विश्राम नहीं होना चाहिए पीछे काट दो, अनु अयम प्राण है पुरुष विदो, यह प्राण में पुरुषाकार है समझो, उसी प्रकार जिस प्रकार मूषा में सांचे में ढाल दिया गया प्रतिमा आदि के समान है, न स्वतः वह, स्वतः ही वायु का कोई आकार होता है क्या, स्वतः ही वायु पुरुषाकार को प्राप्त हो नहीं सकता, जैसे आकार वाले में वायु भर दो वही आकार वाला हो वह कहा जाएगा, जैसे आपने गोल आकार वाला बना दिया साइकिल ट्यूब वही आकार वाला हो गया, या नहीं, लंबा कोई चीज बना दो और उसके अंदर हवा भर दो वैसे हो जाएगा, तकिया के आकार बना देते ना आजकल, तकिया बन गया भर देते वो आकार हो गया, हवा भर दो उसमें, मैंने जैसे आकार बनाते हो हवा का तो कोई अपना आकार होता नहीं, जैसे आकार का आपने झोला बना दिया उसी आकार वाला हो जाता है, इसी प्रकार यहां पर इसके अंदर जो हवा भर रहे हो
नाक से जा रहा है, अंदर मुंह से जा रहा है, अनेक प्रकार से अंदर घुसा देते हो। ये जो वायु किस आकार को प्राप्त करेगा, जैसा शरीर का आकार आपको वही आकार को प्राप्त करेगा। एवं पूर्वस्य पूर्वस्य पुरुषविदा मनु उत्तरोत्तर पुरुषविदो भवति। इसी तरह पूर्व पूर्व जो जो आकार वाला पुरुषाकार है, इसलिए उत्तरोत्तर सर्वी कोशों का भी समझो वे भी पुरुषाकार ही होंगे। पूर्व पूर्वस्य उत्तरोत्तरेण पूर्ण, और पूर्व पूर्व जो चीज है उत्तरोत्तर कोश के द्वारा परिपूर्ण है। जैसे अन्नमय रोष अन्नमय कोश क्या था, प्राणमय से पूर्ण है। प्राणमय कोश मन से पूर्ण है, मनोमय कोश विज्ञान से पूर्ण है, विज्ञानमय कोश आनंद से पूर्ण है। ऐसे पूर्व पूर्व कोश उत्तरोत्तर कोशों से भरा हुआ है समझो। इसलिए एक थैली के अंदर दूसरे दूसरे थैली तीसरे चौथी डालने के लिए एक से छोटा बर्तन है, जैसे बर्तन में होता है ना, बहुत बर्तन होते हैं तो एक बड़ा बर्तन उसे उसे थोड़ा छोटा दूसरा बर्तन होता है, उससे थोड़ा छोटा तीसरा, एक दिन के एक सेट बना लेते हैं। वैसे यहाँ नहीं है, हेमा सोचो जितना ही अन्नमय कोश है उसे थोड़ा छोटा होगा प्राणमय कोश, उससे थोड़ा छोटा होगा मनोमय कोश, उससे थोड़ा छोटा, ऐसा अर्थ नहीं समझना। इसलिए श्रुति ने क्या कहा, पूर्ण बोला। जैसे आ नखाग्र आप स्थूल शरीर देख रहे हो, वैसे आ नखाग्र प्राणमय कोश व्याप्त है, आ नखाग्र ही मनोमय कोश व्याप्त है, आ नखाग्र ही विज्ञानमय कोश भी व्याप्त है, आ नखाग्र ही आनंदमय कोश भी व्याप्त है। नहीं समझ रहे ना, यहां तक अन्नमय कोश हो गया और प्राण कोश के भीतर रहेगी थोड़ा अंदर, फिर एक किनार में कुछ हो जाए तो प्राण को पता नहीं चलेगा ना, उससे भी थोड़े अंदर मेरी आप कहो रहे मनोकोश होएगा, तो ये किनारे में क्या हो रहा है, मन तो पकड़ेगा ही नहीं। फिर यहाँ चोट लग जाए दर्द हो जाए तो मन कहाँ से पकड़ेगा। इसे मन भी वहां तक व्याप्त है, बुद्धि भी वहां तक व्याप्त है, आनंद भी वहां तक व्याप्त है। इसे सब जगह पूर्ण शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ये बात कर समझा दिए। खत्म पुनः पुरुषता असि तुच्छते, आप जो है इसकी भी पुरुषाकार कैसे कथन कर दिया, क्योंकि इसमें भी पांचों चीज, क्या पांच, सिर दाना बाना पंख धड़ और पूछ, कौन सा क्या चीज है। तस्य प्राणमयस्य प्राण एव शिरः, इस प्राणमय कोश का प्राण ही सिर है समझो, प्राणमय शरीर का प्राण ही सिर है। प्राणमयस्य वायु विकार से प्राणो मुखनासिका निस्सरण वृत्ति विशेष शिर इव, ये एव छपा है गलती से, शिर इव परिकल्पते वचनात्। प्राणमय का मैंने वायु विकार, वायु विकार का प्राण क्या है, वायु विकार से प्राणो मुख नासिका निस्सरण, मुख और नासिका से आने जाने वाला एक वृत्ति विशेष है, ये क्रिया को लेकर बोल दिया उन्होंने, हृदय प्राण स्थान रूप देश को नहीं लिया, स्थान को नहीं लिया, किंतु ले रहे मुखनासिक क्रिया को, मुखनासिका से आते जाता हुआ जो वृत्ति विशेष है वो जो शिर ईव परिकल्पित है, क्योंकि कहाँ हो रहा है, ये सिर में है ना, मुखनाशिका कहाँ है, दोनों सिर में है। इसलिए मुखनाशिका से आता जाता हुआ वायु विशेष का नाम जो प्राण नाम है उसमें शिरस्तु की कल्पना, सर्वत्र वचनादेव पक्षादि कल्पना। इन वास्तव में भले हम कुछ युक्तियां ले लें, ये श्रुति कह रही है इसलिए आपको मानना चाहिए प्राण में शिरस्तु, नहीं तो व्यान वायु भी यहां रहा, कौन सा वायु नहीं है, सारे वायु सब जगह है या नहीं। ये व्यान वायु यहां पर न चले, इन नाड़ियों को खोलेगा कौन, नाड़ियों को खोलने का काम खून बहने के लिए, ये इसका किसका काम है, ये व्यान का, तो खून यहां भी बह रहा है ना, यहां भी नाड़ियां हैं, ये व्यान वायु यहां भी है, फिर व्यान में सृष्टि क्यों नहीं, कोई तर्क कर सकता है। इसलिए भाष्यकार ने कह दिया, श्रुति कह रही है ना, उपासना हो चाहे कोई भी विधि हो, विधि में क्यों प्रश्न नहीं, कोई नहीं डाल सकता क्यों, श्रुति ने कह दिया आपको ऐसे करना है तो ऐसे करना है बस, दही से अग्निहोत्र करने बोल दिया करो, हाँ तर्क मत करो, दूध से क्यों ना करूं, घी से क्यों ना करूं, उसे क्यों ना करूं, इसे क्यों ना करूं, नहीं ऐसे करो तो ऐसे करो। कर्म में और उपासना में जो विधि है उस विधि में ननु नच नहीं हो सकता, जो क्रिया है वो, और कोई उल्टा है चावल पकाते हो आग के ऊपर बर्तन, बर्तन के अंदर पानी, पानी के अंदर चावल डालते हो, क्यों ऐसा करूं, वो कहे नहीं भाई हम आग के ऊपर पानी डाल देंगे, पानी के ऊपर चावल डाल देंगे पक जाएगा, अरे खोपड़ी उल्टा करने से क्या फायदा, आग पर पानी डालो तो बुझ ही जाएगा वो, फिर सर चावल डालो तो क्या पकना है वहां, ये क्रिया है, पाक क्रिया की एक तरीका है, वही तरीके से आपको करना पड़ेगा,
वहाँ तर्क उतर्क उतर्क नहीं चलने वाला है या नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी है, यज्ञ क्रिया कोई सब क्रियाएं जो विधि बताई है उसके अनुसार करो तो सम्यक फल मिलेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा सब। इसे कहते हैं वचनादेव पक्षादि कल्पना सर्वत्र, सभी कोशों में किसमें क्या दृष्टि करना है ये जो कहा गया पक्षादि की कल्पना वो श्रुति वचन की वजह से आपको वैसे ही करना पड़ेगा। व्यान और दूसरा अक्षर हो गया अध्याय पंग बाया पंग पता नहीं ना, तो व्यानो व्यान वृत्तिर दक्षिण पक्ष दायना जो पहले हाथ थी दायना पंख कहा था दायना हाथ को, अब करे व्यान वायु को में दायने पंख का दृष्टि करो और अपान वायु उत्तरा पक्ष आकाशात्मा आकाश कहा वायु के प्रकरण में आकाश कहां से घुसा दिया आपने, प्रकरण प्राण में कोश है ना, पंच वायु का नाम आना चाहिए, जैसे तीन तो ठीक आया प्राण व्यान और अपान और बीच में कोई वायु का नाम लेना चाहिए, अब आप आकाश आत्मा कह दिए धड़ क्या है आकाश कह दिए। तब भाष्कर कहते हैं यह आकाशस्थो वृत्ति विशेष समान आख्या स आत्मा इव आत्मा, यहां क्या है आकाशस्थो इस शरीर के अंदर विद्यमान जो आकाश है इस आकाश में स्थित है कौन समान आख्य वायु, समान वायु न हो पूरे शरीर में व्याप्त फिर तो रस पहुंचेगा ही नहीं, रस को पहुंचाने वाला ना समान वायु क्या करता है, यहां जो पक गया भोजन इससे जो बन रहा है रस सूक्ष्म स्थूल सब प्रकार का उन रसों को पहुंचाने का काम समान वायु का है, जहां रस ना पहुंचा हुए वो खत्म हो जाएगा सूख जाएगा। इसलिए कहते कि देखो इस शरीर में समान वायु पूरा व्याप्त रस पहुंचा रहे लगातार, इसे कहते हैं बालों में जल्दी किसी सफेद लग जाता है तो कहते यहां जो रस पहुंचनी चाहिए विटामिन ई भोजन से नहीं पहुंच रहा है, व्यान नाड़ी वितरण करता है पहुंचाने का काम नहीं, उसे फ्लो कौन कराएगा सप्लाई कौन करेगा, खोल तो दिया लेकिन फ्लो भी तो होना चाहिए उसके अंदर, माल गाड़ी से गेट खोल दो माल आए नहीं गाड़ी तो क्या करेगा गेट खुला रख करके, माल लाने वाले अलग है ना गेट खोलने वाला अलग है, माल लाता है समान वायु और रास्ता खोलता है व्यान वायु, नाड़ी मुख वितरणार्थ व्यान बोला है ना, और अन्न रस वितरणार्थ अन्न रस का वितरण करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है सप्लाई करता है इसे उसका नाम समान वायु, इसलिए उन्हें जान के आकाश की तुलना करके दे उपमा देते हुए कह दिया इस शरीर के अंदर जो आकाश है उस आकाश में स्थित हो जो समान वाक्य वृत्ति विशेष हो स आत्मा युवा तो धड़ के समान धड़, आत्मा शब्द का हमेशा धड़ के लिए है ना बीच वाला धड़ के समान धड़ है वो, प्राण वृत्ति अधिकारात मध्यस्थत्वात इतराह पर्यंता वृत्ति अपेक्षा आत्मा, प्राण वृत्ति का अधिकार होने से यहां ऐसे आकाश से समान वायु लेना पड़ेगा नंबर एक, और दूसरी बात ये कह रहे मध्य में स्थित है मुख्य रूप में समान वायु कहां स्थित रहता है यहां यही सरस लिखे जाता है ना वो मध्य में स्थित है वो, इतरा का तो भी कैसा इतरा पर्यंता वृत्ति ही अन्य वृत्ति के को व्याप्त होते हुए इसके साथ साथ ये भी व्याप्त होते हुए भी मुख्य रूपेण मध्य में स्थित होने से इसको धड़ कर दिया आत्मा कर दिया, इतरा वृत्ति पर्यंता अपेक्षा अन्य वृत्तियों की जो पर्याप्ति की अपेक्षा से मध्यस्थत्व आत्मा युवा आत्मा मध्य में स्थित होने से इसको धड़ के समान धड़ को दिया गया, क्योंकि अन्य परिषद में कहा मध्यम येषा अंगानाम आत्मा ये जो धड़ है अन्य अंगों की अपेक्षा से मध्य में स्थित है इत्यादि थी श्रुति प्रसिद्ध मध्यस्थस्य आत्मत्वम, श्रुति में प्रसिद्ध है जो मध्य में स्थित है वही धड़ होता है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, यहां भी देखो पृथ्वी शब्द लाए उदान वायु नहीं कह रहे पृथ्वी लाए, ये दो में वायु की नाम सीधे नहीं ले रहे हैं, एक ने आकाश कह दिया दूसरे ने पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा कह दी है, क्योंकि यहां हमें इष्ट क्या है लेना पृथ्वी से भी भाषा पृथ्वी थी पृथ्वी देवता
आध्यात्मिक से प्राण से धारित्री स्थिति हेतु इसे पूछ क्या है, उस पक्षी की स्थिति का हेतु है, आपके पैर क्या है, आगे खड़े होने घूमने फिरने सब काम करने का हेतु है। उसी प्रकार से यह उदान वायु भी इस पर टिके रहने के कारण है, क्योंकि उदान वायु पर खेच रहा है और अपान वायु नीचे खींच रहा है। यदि अपान वायु काम ना करे उदान उड़ा के ले जाएगा शरीर को, और उदान वायु काम ना करे तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, अपान वायु खींच के बैठा देगा। ये दोनों आपस में ताने हुए हैं जिसके वजह से हम लोग घूम फिर सब कुछ काम कर रहे हैं। स्थिति का कारण ये मुख्य इसलिए उदान वायु हो गया, इसलिए कहते हैं अन्यथा, अन्यथा क्या हो जाता, उदान वृत्ति और वृत्तिया ऊर्ध्वगमन गुरुत्वाच्च पतनम वास्यत्। दो में एक होता है, देख लो, सैषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, क्योंकि अन्य श्रुति दे रहे प्रश्नोपनिषद तीसरे प्रश्न के आठवें, तीसरे प्रश्न का जवाब में आठवां मंत्र है, वहां सैषा सायेषा वह है जो उदान वृत्ति करती क्या है, पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, इस पुरुष के अंदर अपान वृत्ति को रोक देती है। इति श्रुत्यंत्राम, अन्यथा यदि उदान वृत्ति न होवे तो उदान उदान वृत्तिया ऊर्ध्वगमन गुरुत्वाच्च पतनम, या तो उदान वृत्ति अकेले काम करेगी तो ऊर्ध्व उड़ जाएगा, नहीं करेगी अपान वायु क्या है पर खींच कर पकड़ लेगा, अदो गुरुत्वाच्च पतनम वास, गुरुत्व कारण से इसका पतन होने लग जाएगा। तस्मात ऐसा ही शरीर का दुर्दशा हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी देवता पुच्छम प्रतिष्ठा प्राणमय से आत्मा, इसलिए प्राणमय शरीर का जो है यहाँ टिकाए रखने वाला पृथ्वी देवता को ही ग्रहण करना पड़ेगा, यहाँ उदान वायु के स्थान पर उपलक्षित करके ग्रहण कर लेंगे। तत्सुन्नेव अर्थे प्राणमय आत्म विषय श्लोक भवती, वह यह जो प्राणमय आत्मा है, प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोष है, इसके विषय में आगे यह मंत्र भी कहता है। क्या है मंत्र, फिर मंत्र ब्राह्मण मंत्र आएगा, प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चये प्राणो हि भूतानां आयुः तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते प्राणो हि भूतानां आयुः तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते इति। तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वाये तस्मात् प्राणमयाद् अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सवायेष पुरुषविदेव तस्य पुरुषतामन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः दिग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरस पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। प्राणं देवानुप्राणन्ति या देवाः मन इंद्रियाणि, या देव से तात्पर्य इंद्रिया, इंद्रिया भी बेचारे इस प्राण का प्राण क्रिया के अनुसरण करती हुई भी प्राण क्रिया करने में समर्थ होती है। जिस इंद्रिय से प्राण निकल जाए वो इंद्रिय फेल हो जाएगा, इंद्रिय का गोलक से इंद्रिय से तात्पर्य, इंद्रिय तो सूक्ष्म शरीर का मामला है ना, और प्राण भी सूक्ष्म शरीर में ही है, सूक्ष्म शरीर तो ये अन्य रस में ये वाला है, प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय तीनों मिलकर के सूक्ष्म शरीर है। जब प्राण यदि हट गया तो फिर वो इंद्रिया काम नहीं करेंगी, इंद्रियां जो काम कर रहे हैं वो प्राण के अनुप्राण देवा मन इंद्रियाणी प्राणस्य प्राणने न अनुप्राणंती, प्राण के पीछे पीछे वे भी प्राणन क्रिया करती हैं, मतलब अपने अपने क्रिया कार्य को करने में समर्थ होती है। या अनेक उपनिषदों में प्राणोपासना में आया, सब बोलने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ, लड़ाई हुई ना हर इंद्रियों ने, और प्रजापति ने कैसे कहे सीधा प्राण श्रेष्ठ है, तने कैसे करो जिसके बिना ये शरीर कल्याणस्पद हो वही समझो श्रेष्ठ। फिर सब एक एक साल के लिए चले गए यात्रा में, लौट आके देखते हैं अरे तो वैसे का वैसे चिंता मस्त है, अलग जब प्राण निकलने लगा तो शरीर मरने लग गया, तब साहब इंद्रियों ने कहा नहीं महाराज आप रहो आप नहीं तो हम भी नहीं फिर खत्म हो जाएंगे। और सारी कथा का सार ये इतनी है, प्राणं देवानो प्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चये, मनुष्याः पशवश्चये प्राणो ही भूतानामायोः,
इंद्रिया प्राण के पीछे प्राण करती हैं और अग्नि आदि जो इंद्रियों के अभिमानी देवता समझो, इसलिए वे भी वायु रूप प्राण के अनुगामी होकर प्राण क्रिया करती हैं। तथा ये जो मनुष्य और पशु छ से आदि अन्य सकल योनियों को ले लो, सभी योनिया प्राण के आधार पर जी रही है। ब्रह्मा तक सब 84 लाख योनियों में जितनी भी हैं, सभी के सभी प्राण की वजह से ही जीवित होते हैं। मनुष्य पशवश्च ये नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? पशव अश्व नहीं, हो वह नहीं होना चाहिए, चाह होना चाहिए। वह को च कर दो, वह को च कर दो, यदि गलत छपी है तो। प्राणो ही भूतानाम आयु हो, प्राण ही भूतों का आयु है, प्राण ही भूतों का आयु है। उच्च इसलिए करना पड़ता है ना, नहीं तो कितनी होनी गिनाएंगे, हैं 84 लाख होनी है ना, तो इसलिए कह दी चौ मैंने, और भी जितने इस प्रकार के हैं सब योनिया प्राण से जीवित रहते हैं। प्राणो ही भूतानाम आयु हो, प्राण ही प्राणियों का जीवन, प्राण ही प्राणियों का जीवन है। तस्मात सर्वायशम इच्छते है, इसलिए वह आयु काल, जिस प्राण को क्या नाम रख दिया, आयु नाम रख दिया। प्राण के एक नाम है सर्वायु, सर्वायुषम तस्मात उच्चते। जो लोग ऐसे जानकर उपासना करते हैं प्राण को ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, सर्वमेव ते आयुर्यन्ति, ये प्राण ब्रह्म उपासते हैं। जो प्राण ही ब्रह्म ऐसे उपासना करते हैं उन लोगों को क्या फल मिलेगा, वे अपना पूरा आयु जियेंगे, पहले नहीं मरेंगे वो किसी दुर्घटना आदि से या किसी प्रकार से, अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, गंडांतर योग नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए ज्योतिष में क्या है, 3 आयु लिखी जाती, न्यूनतम 3 आयु लिखते हैं। न्यूनतम इतना साल जिएगा, इसका मध्यम आयु इतनी होगी, पूर्ण इसका आयु इतना होगा, 3 आयु लिख दिया जाता है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, आयु न लिख करके शब्द आयु लोग डर जाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, अमुक 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 उम्र में भयंकर खतरा है, उस अमुक पूजा पाठ करो, किया बच गया तो ठीक है, नहीं तो गया। यही कहते हैं ये नहीं होगा यदि आप प्राण ब्रह्म करके उपासना करते हैं, बीच में जाने का अवसर ही नहीं पाएगा, पहले ही खत्म, आगे उपासना का बल से खत्म हो जाता है, जितने अपमृत्यु के कारण है वो सब दूर हो जाते हैं। आगे छांदोग्य परिषद वगैरह में आएगा, जीवन को ही एक यज्ञ में उपासना करो, और पहले 24 साल एक हिस्सा है यज्ञ का, 48 साल एक हिस्सा है, फिर शेष एक हिस्सा है, एक दूसरे को जोड़ने के लिए वहाँ एक साम गान बताएंगे, मंत्री बताएंगे, उस मंत्र का जाप करो और ये साम का गान करो, तो बीच में जो बीमारी आ गई है मौत की ओर ले जा रही है, वे बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगी और अगले आयु के साथ आपको जोड़ देंगे। ऐसे छांदोग्य परिषद में पुरुष यज्ञ में वर्णन किया है, उसी प्रकार फल ये भी बता रहे, ये प्राण को ब्रह्म की उपासना करूंगा वो सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, इतने से सीधे काम हो जाएगा। प्राणो ही भूतानाम आयु हो, प्राण ही प्राणियों की आयु है, तस्मात सर्वायुषम उच्यते, इसलिए इस प्राण का एक नाम है सर्वायुष। तस्येष शरीर आत्मा यह पूर्वस्य, उस पूर्वोक्त अन्नमय कोष का यही देह स्थित प्राण में आत्मा है समझो, शरीर है समझो। यह पूर्वस्य, पूर्व का जो शरीर आत्मा है वह एष एव, तस्य एष एव, उसका यही है समझो, अर्थात अन्नमय का यह प्राणमय ही आत्मा के समान आत्मा, शरीर के समान शरीर है। मंत्र भाग समाप्त हो गया, फिर ब्राह्मण भाग शुरू होता है, तस्मात वै तस्मात प्राणमय आदि, वह यह जो उस प्राणमय कोष से अन्यो अंतर आत्मा मनोमय उससे भिन्न है, और उसे पृथक होते हुए उसके भीतर रहने वाला जो आत्मा माने शरीर है उसका नाम है मनोमय। उस मनोमय से तेन मनोमयेन एष प्राणमय पूर्ण, उस मनोमय कोष के द्वारा यह प्राणमय कोष, उस मनोमय शरीर के द्वारा यह प्राणमय शरीर परिपूर्ण है। सवा एष पुरुष विधेव, वह है जो मनोमय है यह भी पुरुषाकार वाला ही है, क्यों, क्योंकि तस्य पुरुष विधा मनो अय पुरुष विधा, क्योंकि प्राणमय पुरुषाकार वाला था, उसके पश्चात उसके अनुसरण करता हुआ यह मनोमय भी पुरुषाकार वाला ही होगा।
इस पुरुषाकारता में बताओ फिर शरीर क्या है, दाना बाना पंख पूछ वगैरह बताओ। कहते यजुर्वेव शिर, यजुर्वेद इसका सिर है। यजुर्वेद सिर का मतलब मैं यजुर्वेद मंत्रोच्चारण करूं, क्योंकि सब मनोमय है ना, मनोमय में शब्द को तो नहीं ले सकते आप, मन का गुण है क्या नहीं, इसलिए सब क्या है ना मन के द्वारा संकल्प, क्यों संकल्प तो मन होता है, मन ने संकल्प किया मैं यजुर्वेद के मंत्रों को ब्राह्मणों को उच्चारण करूं। एतार संकल्पात्मक यजुर्वेदोच्चारण संबंधी संकल्प को सिर जैसे समझना, सिर की कल्पना। और इसी प्रकार से ऋग्वेद उच्चारण के संकल्प में दाहिने पंख का, सामवेद उच्चारण के संकल्प में बाएं पंख का, आदेश आत्मा और विशिष्ट ब्राह्मण भाग है जिसमें विधियां प्रमुख रूपेण ब्राह्मण भाग में ही विधियां हैं। मंत्र भाग तो क्या है, प्रयोग समेत अर्थम मंत्र, प्रयोग काल में आने वाला चीज है मंत्र अधिकतर। इन ब्राह्मण आदेश देता है, ये करो वो करो, सत्य हो जाओ धर्म चलो, ऐसा ब्राह्मण भाग का काम। अतएव उस ब्राह्मण भाग रूप का उच्चारण और सब पालन में क्या करना, आपने दृष्टि करना है किसका, आदेश आत्मा धड़ का भाग का दृष्टि। और जो अथर्वेद सकल कर्मों का सार है उसमें, उसके बिना कोई कर्म कर ही नहीं पाएंगे। अथर्वेद में ही सामान्य जो संध्या वंदन है और श्राद्ध है वगैरह सब सभी कर्म संबंधित तीनों वेदों का शेष रूपा चीज है, इसलिए उसको पुच्छ के समान पुच्छ उसमें ही प्रतिष्ठित है संपूर्ण मन का संकल्प और सकल कर्म वेदों का कर्म। सकर्मांग से पुच्छम प्रतिष्ठा तदपि ऐसे श्लोको भवती, इस मनोमय आत्मा शरीर के विषय में भी यह मंत्र है। आगे कहे जाने वाले शांति कर्म और पुष्टि कर्म के कारण रूप कर्मों की प्रधानता है अथर्वांग रस में। देखिए भाष्य, प्राणम देवानु प्राणंदी, देवा मन अग्नि आदे, देव कौन है, इंद्रिया सीधे ले सकते हो, यह प्रकाशन करने वाले विषय को प्रकाशन करने से इंद्रियों को भी देव कहा जाता है, अथवा इंद्रियों के अभिमानी देवता, सदेव से देवता शब्द ले लो, देवता का कौन देवता लेना, मन इंद्रियों के अभिमानी देवता। अग्नि आदे प्राणम वायवात्मनम प्राण शक्तिमंतम, प्राण को मने वायु रूपा प्राण क्रिया शक्ति से युक्त, तम अनु उसके अनु उसका पीछे पीछे उसके पश्चात उसके अनुरूप ही तद आत्मभूता संत अर्थात उसके साथ ऐक्यता को प्राप्त करते हुए वे भी प्राणंती प्राणन करोति, वे भी प्राणन क्रिया करते हैं, प्राणन क्रिया क्रियावंतो भवन्ति, कहने मतलब प्राणन क्रिया के माध्यम से अपनी अपनी क्रिया को वो करने लगते हैं। आंख देखने की क्रिया करता है, कान सुनने की क्रिया करता है, नाक सूंघने की क्रिया कर लगता है, कैसे कर रहे हैं सब क्रिया अपनी अपनी क्रियाएं, वो प्राण क्रिया के पीछे पीछे ही भी अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। यदि प्राण क्रिया होना बंद हो जाए सब क्रिया बंद हो जाएंगे, बल्कि पहले से बंद होना शुरू हो जाते हैं ना। आप आदमी में क्या देख रहे हो, आदमी जब मरने लगता है तो क्या होता है, सबसे पहले कान खत्म हो जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है, देखते रहता है सब, फिर बोलना बंद हो जाता है, फिर देखना बंद हो जाता है, धीरे 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 सब एक एक पुर्जे रिटायर्ड होते जाते हैं, लोग व्यवहार में देखने को मिल रहा है। अर्थात प्राण ने क्या किया, तत्त गोल कौन से पीछे हट गया, एक 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 करके गोल कौन से हटते जाता सारे हटके हृदय में आ जाता है, फिर अपान को खींच लेता है, उदान को खींच लेता है, सबको अपने इकट्ठा कर देते हृदय में, फिर वहां उसको अगले जन्म का अनुरूप योनि दिखती है तो उसके अंदर तात्व करके उसमें चला जाता है जलो कांड। इसलिए कहते हैं ये इस तरह से अर्थ करना है इसका, प्राणंती का मतलब क्या, तो उसकी प्राण क्रिया के अनुरूप क्रियावंतो भवंती अध्यात्म अधिकारात देवाह इंद्रियाणि, ये आध्यात्मिक अधिकार चल रहा है ना, ये शरीर को लेकर विचार चल रहा है, इसलिए यहाँ आध्यात्मिक अधिकार होने से देवा शब्द से इंद्रियों को लेना भी उचित ही है। प्राण मनु प्राणंति मुख्य प्राण मनु चेष्टन्ते इति वा, ये वैकल्प कर लिया, पहले तो देवता से इंद्रियों का अभिमानी अग्नि आदि देवता को ले लिया और अब ले लिया सीधा इंद्रियों को ले लिया देवा शब्द से वैकल्पिक करते, क्योंकि अध्यात्म का शरीर को लेकर चल रहा है, पंचकोश को लेकर विचार चल रहा है, एकदम वहां अन्य बड़े बड़े देवता कहां से लाएंगे, इंद्र आदि अग्नि आदि देवताओं को क्यों लेना, इसे इंद्रियों को ही ले लो, एक पक्ष ही है। दूसरा प्राण मनु प्राणंति मुख्य प्राण के अनुसार ही वे भी अपनी अपनी चेष्टाएं करते हैं, ये इसका अर्थ है।
तथा मनुष्य पशुपश्चे ते प्राणन कर्मण ही चेष्टावंतो भवन्ति। जो भी मनुष्य पशु देखो अच्छा है ना पशुवश्च और जामस्ती योनियों में क्या हो रही जो जो भी हैं वे सब के सब इस प्राण के कर्म के द्वारा ही वे भी सब अपना अपना चेष्टा कर्म करने वाले हो जाते हैं। अतश्च न अन्नमये नैव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवंत प्राणिनः। इसलिए इस अन्नमय के द्वारा अन्नमय कोष कैसा है इस परिच्छिन्न के द्वारा ही केवल यह शरीर आत्मवान हो गया है ऐसा मत समझो। अन्नमय नैव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवंत प्राणिनः इति न नान्यमयेन बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या केवल इस अन्नमय शरीर जो है स्थूल शरीर परिच्छिन्न आत्मनमने शरीरेण आत्मना का मतलब शरीरेण प्राणी ये जो प्राणी जीवात्मा शरीर वाला नहीं हो रहा है माने केवल स्थूल शरीर को लेकर के ही जीवात्मा शरीर वाला नहीं है किंतु स्थूल शरीर के साथ प्राणमय एक शरीर भी है उन दो को लेकर के जीवात्मा शरीर वाला हुआ है। एक शरीर वाला नहीं दो शरीर वाला फिर आगे कहीं और जोड़ेगा तीन फिर चार फिर पांच फिर कहेंगे ये जीवात्मा पांच शरीर वाला है एक शरीर वाला नहीं। किंतु रे भाई समझा रहे फिर क्या है केवल स्थूल शरीर को लेकर के शरीर वाला नहीं है प्राणी क्यों और क्या है वो तद अंतर्गत प्राणमयनापि साधारण नैव सर्वपिंड व्यापिना आत्मन्दो मनुष्यादयः। किंतु इस अन्नमय के भीतर में विद्यमान जो प्राणमय नाम का है भीतर में इसे छोटा अर्थ नहीं लेना इसे कहते साधारण नहीं वह सर्वपिंड व्यापिना क्योंकि ये जो पूर्ण ना ये जो पूर्ण पूर्ण बोला है मंत्र ने इसलिए भीतर शब्द आ गया तो इसका छोटा ऐसा अर्थ ना करें आप इसे जान बुझे भाषकर कहते हैं सर्वपिंड व्यापिना संपूर्ण पिंड को व्याप्त करते हुए जो साधारण है प्राणमय उसके द्वारा भी यह मनुष्य आदि आत्मवंत शरीर वाले हैं समझो। एवं आगे में सब घटाना मयो मयाद भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तरोत्र ही सूक्ष्म ही आनंदमयांत ही आकाशादि भूतारब्धैर अविद्याकृतैर आत्मवंत सर्वे प्राणिनः। सभी प्राणी शरीर वाले हुए आत्मवंत माने शरीरवंत ये सब जगह आत्म शब्द का अर्थ शरीर लेना शरीरवंत सर्वे प्राणिनः। सभी प्राणी शरीर वाले हो रहे कैसे हो रहे हैं क्योंकि जो है मनोमयादि भी उत्तरोत्तर ही सूक्ष्म ही आनंदमयांत ही मनोमयादि उत्तरोत्तर जो सूक्ष्म 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 होते जा रहे हैं आकाश आदि भूतों से आरब दें अविद्या कर दें उनके द्वारा पूर्व पूर्व व्यापी भी जो कैसे हैं वे पूर्व पूर्व कोशों को शरीरों को व्याप्त करके ही रह रहे हैं कहीं घट नहीं रहे बढ़ नहीं रहे हैं शास्त्र के अनुसार घट बढ़ने वाले नहीं है उसे छोटा हो या उसे बड़ा हो जाए प्राण में कुछ बाहर आ गया ऐसा अर्थ नहीं लेना। व्यापी भी है उन्हीं के द्वारा सर्वे प्राणिनः आत्मवंत माने शरीरवंत सकल प्राणी शरीर वाले हो रहे हैं तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्य ज्ञानंत लक्षणेन पंचकोशादिकेन सर्वात्मना आत्मवंतः। इसी प्रकार से ये जो है प्राणी उस ब्रह्म को लेकर के भी आत्मवान हो गए। अब यहाँ आत्म से मुख्य आत्मा लेना क्योंकि ब्रह्म को लाया ना तथा इस प्रकार से इसी प्रकार स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन देखो जिस तरह स्वाभाविक रूप है ना अन्नमय कोश दिख रहा है हम लोगों को उसको व्याप्त किया है प्राण मन में उसको व्याप्त किया है मनोमय उसको व्याप्त किया है ऐसे करते करते आप अन्नमय तक आए उसको भी व्याप्त कर लिया कौन कहते हैं आकाश आदि का जो कारण है आकाश आदि का भी कारण शुद्ध ब्रह्म कैसा है वो भी नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन पंचकोश अतिगेन पंचकोश को अतिक्रमण किया हुआ है वो ये मत सोचो वह ब्रह्म केवल इस पंचकोश में ही व्याप्त है पंचकोश अतिगेन इससे परे सर्वात्मना आत्मवंत जो सर्वात्मा है वो सभी उपाधियों का ही आत्मा है वो केवल आपकी नहीं है सभी उपाधियों का
आत्मा है, उसके द्वारा सभी प्राणी आत्मवान हो रहे हैं, चेतन हो रहे हैं। समझो, सही परमार्थ आत्मा सर्वेशां, वही वास्तव में सभी का पारमार्थ परमार्थतः आत्मा है। इत्येतद् भी अर्थात उत्तम, यह बात भी अर्थतः यह संकेत कर दिया, साक्षात शब्द से नहीं बोला गया, लेकिन अर्थतः संकेत कर दिया गया है। प्राणं देवानुप्राणंति इत्युक्तं तत्कस्मात् इत्या। अब आगे मंत्र आगे बढ़ते, प्राण के ही पीछे पीछे इंद्रियां भी अपने अपने काम करती हैं, ये जो कहा था वो किस प्रकार हो सकता है? क्या प्राणो ही अस्मात् भूतानां प्राणिनां आयुर्जीवनम्, प्राण ही क्यों ही मन अस्मात्, क्योंकि इन भूतों का प्राणी ना भूतानां प्राणिनां, प्राण आयु, पहले आयु शब्द का अर्थ है, क्योंकि दो तीन बार आयु शब्द आएगा ना, पहले वाला आयु शब्द का अर्थ जीवन, दूसरे बार जो आयु शब्द आएगा वो आपके आयु में लिया जाए, शरीर का जीने मरने का आयु काल, पहले वाला आयु शब्द का अर्थ है प्राणम। अय गतौ धातु स्वरूप बना दिया उण प्रत्यय, अय गतौ से उण प्रत्यय कर दो, आयु हो अर्थात जीवनम, आपके गमनागमन आदि का कारणीभूत जीवन को आयु कहते, गत्यर्थक है ना धातु, सह इत्यादि प्राणो ही अस्मात् भूतानां प्राणिनां आयुः मने जीवनम्, यावत् यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत् आयुः इति श्रुत्यन्तरा। कौशित की ब्राह्मणो उपनिषद तीसरा अध्याय दूसरे मंत्र में कहा, जब तक इस शरीर में प्राण वास करते रहेगा तब तक इसकी आयु मानी जाती है, तब तक ये जिंदा रहता है, इसका जीवन चलते रहता है, ऐसे कह दिया। इसने आयु शब्द का जीवन भी है और काल का भी वाचक बनता हुआ उतने समय का द्योतक हो गया, जब तक शरीर में प्राण है तब तक काल है ना, उतनी काल तक ही आपका जीवन चलेगा, प्राण गई तो वर गया खत्म। तस्मात सर्वायुषम सर्वेशम आयु, ये सर्वायु सर्वायु रेव इति सर्वायुषम इत्युच्यते। सर्वेशम शब्द कैसे बन गया? व्युत्पत्ति बता रहे, सर्वेशम आयु सकल उपाधियों का आयु है प्राण, इति सर्वायु बनेगा, सर्वायुषम अदंत कहां से हो गया? वो कहते सर्वायु रेव स्वार्थ में अण कर दो, इति सर्वायुषम इत्युच्यते, अण नहीं कर सकते, अण कर वृद्धि हो जाएगा ना, अण नहीं करना तो सर्वायुषम, अन्य कोई प्रत्यय कर दे का प्रत्यय वगैरह जिसे वृद्धि नहीं हो, स्वार्थिक करना पड़ेगा जिसमें अ बचना जरूरी है, लेकिन जैसे क कर्ण वगैरह है ना, ट प्रत्यय भी है वहां स्वार्थिक में, तो स्वार्थिक प्रत्यय करके सर्वायुष में रूप बना लेना चाहिए। प्राणापगम में मरण प्रसिद्ध है कि प्राण का अपगम हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, यह बात लोक में स्वतः ही प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्धि को ही अनुवाद करके अश्रुति कह रही है, प्रसिद्धम लोके सर्वाइष्ठम प्राणस्य, इसलिए लोक में यह बात प्रसिद्ध है, प्राण जो है सर्वायु है। इसे लोक व्यवहार में क्या लोग बोलते हैं? आयु पूरी हो गई भाई, इसी इसे गया आयु पूरी हो गई, चाहे मर्डर हो जाए कुछ भी, चलो क्या कहेंगे, भले आरोप लगेगा आदमी को जेल दे गया, ये हो गया वो, दुनिया होता है घटना, लेकिन अंत में असली जवाब क्या है उसका? उसकी ताना पानी खत्म हो गया, उसका समय खत्म, इसलिए वो चला गया, और उसको जाने का निमित्त अमुक ने उसको मर्डर कर दिया, अमुक ने ये कर दिया, अमुक ने वो कर दिया, निमित्त किसी ने किसी को गिना दिया जाता है, लेकिन उसका समय आ गया जाने का, वो चला गया। प्रसिद्ध मिलो के सर्वाइष्टम प्राणस्य, तो अस्माद बाह्याद असाधारणाद अन्नमयाद आत्मनो अपक्रम्य अंत साधारण प्राणमयम आत्मन ब्रह्म उपासते ये अहम अस्मि प्राण सर्वभूतानाम आत्मा आयु जीवन हेतुत्वात् इति। उससे अर्थात किससे? वो जो बाह्य है, बाह्य कौन? जो असाधारण था अन्नमयाद, जो अन्नमय कोश था, अन्नमय शरीर था, उससे हट कर गया अपक्रम्य, उसे अलग हो करके उससे भीतर जो साधारण है कौन? प्राणमयम आत्मानम, हमेशा कारण को साधारण कहा जाता है, कार्य को असाधारण। अन्न में क्या है? स्थूल एक कार्य है, उसका कारण कौन है? प्राणमय, इसे साधारण कार्य है। फिर बाद में क्या कहेंगे? प्राणमय को असाधारण कह देंगे और मनोमय को साधारण कहेंगे। ऐसे सब में समझना है साधारण और साधारण शब्द को। साधारण कौन है यहाँ? प्राणमयम आत्मानम,
ब्रह्म उपासक जिसको ब्रह्म करके उपासना करता है। कैसे उपासना करता है? जो लोग ऐसे उपासना करते हैं, जो लोग कैसे करते हैं, वो कहते हैं अहम अस्य प्राण, मैं ही प्राण हूँ, सकल भूतों का आत्मा हूँ, शरीर हूँ, आयु हूँ, सकल भूतों का आयु हूँ, सकल भूतों के जीवन का कारण हूँ, ऐसा अपने आप को ब्रह्म प्राण ब्रह्म रूप में उपासना करती थी। ये ते सर्वमेव आयुरस्मिन् लोके यन्ति, वो संपूर्ण आयु इस लोक में जीवित रहेंगे। न अपमृत्युना म्रियन्ते, प्राक प्राप्ताद्दायुषः, अपमृत्यु के द्वारा प्राप्त आयु से पहले वे नहीं मरते हैं। इत्यर्थः।